टाइम पे पता है बारात लेके जाता है उसके पास। मैं चप्पल मारूंगी अब। हमारे बच्चे मतलब उसने अपने बच्चे हमारा ही है, कह रहा डोंट कंपेयर। दोनों मैं अपनी नस काट के खून से लिख दूंगा। नस काट के इतना खून है तुम्हें छुछुंदर से। हेलो एवरीवन, तो यार ये प्रैंक मैंने उपासना के साथ किया है, आप लोग एंड तक देखना, आपको बहुत मजा आएगा। एंड प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए एंड एक प्यारा सा कमेंट जब ये आप प्रैंक पूरा देख लो। एंड में मैंने बताया कि कैसे सामने कैमरा रखा हुआ था, फिर भी उपासना को पता नहीं चला, वो आपको एंड में मैं बताऊंगा कि कैसे किया मैंने प्रैंक। सारा शरीर टूट रहा है मेरा। क्या पढ़ रहे हो? अरे ये ऐसा हैंडबैग चाहिए, देखना। भगवान तुम्हारी हैंडराइटिंग पढ़ता कौन है इसको? तेरे बच्चों से आज फिर नजर चुराई, तेरी गलियों से गुजरने पर, तेरे गांव की गलियों से गुजरने पर। वाह 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 वाह, कौन से मजनू बने बड़े हो आज? कहाँ जा रहे हो? तेरे बच्चों से आज फिर नजर चुराई, उसे आज फिर नजर चुराई। तेरे इस सीरियल का जो ये ट्रैक है, टाइटल ट्रैक कितना अच्छा है ना। आजो ना इधर, अरुण। तेरे बच्चों से आज फिर नजर चुराई, तेरे गांव की गलियों से गुजरने पर। बाजू दबा दो, हैं? बाजू दबा दो। शायरी भी कितनी कमाल की चीज है ना, इंसान को सुनता लिखता कोई और है, सुनता कोई और है, महसूस कोई और करता किसी है, और के लिए। कल्पना किसी और की होती है, इमेजिन कोई और तो करता है। कब की किसी और की हो गई है? कल्पना तो कब की किसी और की हो गई है? कल्पना किसी और की होगी, किसी और की भी नहीं रुकी, भावना भी नहीं रुकी। मैं देखो मैं बहुत बलगम दे रही है मेरे को पता है। आज के दिन ना, आज से 4 साल पहले हमारी शादी डिसाइड हुई थी। हमारी शादी? हमें 4 साल हो गए मिले हुए, हैं? हमें 4 साल हो गए। कुछ चीजें मजाक में अच्छे नहीं लगते यार। हमें 4 साल हो गए हैं। हमें नहीं मतलब। फिर तो मैं एक्स को 4 साल किसकी याद आ रही? ओले 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 बेबी, किसकी याद आ रही है? किसकी? कैसे हुआ कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ? हमने बताया हर एक चीज प्लान कर रखी थी। अच्छा, हर एक चीज। अच्छा फिर मुझे कौन सी मूवी लेके आ गए? तुम ये बताओ किसकी कहानी सुना रहे हो? मुझे पता है उस टाइम पे ना सिलेरियो पसंद थी। ओह, उसने कहा अरुण बलिनो ले लो। अच्छा, क्योंकि हमने प्लान किए थे कि हम 3 बच्चे करेंगे। अच्छा, क्या सिलेरियो में ना अच्छा बिच जाएंगे। तो लिटरली ये प्लानिंग करते थे? पता है हम जब जाते थे ना, हम जब दोनों साथ में चलते थे तो सब कहते थे कि मतलब ऐसे लग रहा है जा गए सोनी महिवाल आ गए, आए हाय हाय लैला मजनू। तुमने कल रात को भी देखा ही था ना यार। मतलब क्या
पहले मुझे बताओ तुम्हें क्या हो गया, तुम नींद में क्यों बड़बड़ाने लग गए हो यार? मम्मी अभी आएंगे ना, ऊपर मम्मी को बताऊंगी। सच में कल हम सुबह तुम 6 बजे के करीब इतने तेज तेज बोलने लग गए, वो समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम कुछ क्या नाम वाम ले रहा था क्या मैं किसी लड़की का? फिर भी क्या होता, नाम ले रहे थे यहाँ से ऐसे उठाती, उठो यार तुम्हें मजाक लग रहा है। तुम मजे ही ले रहे हो कई बार ना, मतलब यादें ऐसी होती है ना कि इंसान उसे, मतलब उस इंसान को भूल जाता है। तुम्हारी एक्स की याद आ रही है? एक्स की याद नहीं आ रही, बस यार बातें हैं कुछ थोड़ा सा। यार मैं मांगलिक था, उसका शनि भारी था। पागल हो तुम, क्या करी जा रहे हो? मम्मी अरुण को कुछ हो गया, भूची पड़ी है। हर जगह जोड़ा मेरे को सीरियल देखने को, क्या बड़बड़ाई जा रही है? नाटक तो है मेरी जिंदगी और रखी। मैं तुम्हें क्या मजे आ रहे हैं? मैं बुखार पे तुम्हें मजे लेने हैं? मैं यार मत दबाना मेरा सर, मैं नहीं बोलूंगी। तुम क्यों वो कर रहे होगे? तुम्हारा पाव भाजी खाने का मन है यार, मैं बनाती हूँ तुम्हें। क्यों तुम्हारी एक्स की याद आ रही है? वो पता है कॉलेज में ना खाना बना के लाते। हाय हाउ रोमांटिक। एक बार पता है क्या हुआ? थैंक्स यार। एक बार पता है क्या हुआ कि हमारा लंच था और वो ना बहुत अच्छा खाना बना के लाए, और मैं नहीं चाहता था कि ना कोई और उस खाने को बांटे, तो ना मैंने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता था। मैंने अपने दोस्तों के साथ भी क्या हो रहा है? शेयर नहीं करना। फंबल क्यों कर रहे हो? प्लीज यार क्या कर रहे हो? सुन तो लो, अब पता है क्या, अब इंसान अपनी बीवी से अपना दुख शेयर नहीं कर रहा। ये दुख है? नहीं मतलब दुख नहीं, बातें शेयर मतलब क्या कर रहे हो तुम? ये सी बातें तो शेयर करो, बात तो सुन लो पूरे। तुम तो ना, हमने ना छुप के खाना खाया। अच्छा क्रिकेट का ग्राउंड था उसके पीछे। ओह माय गॉड हाउ रोमांटिक यू बोथ। उसने पता है, मतलब मुझे आज भी याद है, ऐसे रोटी तोड़ी थी उसने, ऐसे करके ऐसे दाल उठाई थी। एक चना जब वो रोटी उठा रही थी, चना नीचे गिर गया था। वो जो रोटी जब उसने खिलाई, वो जो चना नीचे गिर गया था ना, उसमें भी था यार, तो उठा के मैंने। फिर उसके बाद पता क्या हुआ कि मम्मी यार क्या कर रहे हैं यार, मुझे इरिटेट करी जा रहे हैं। सुनो एक ये वाली बात सुन लो, तो भाई मैंने ना सबसे संयम वगैरह, मुझे सबसे बुखार चढ़ा हुआ है तुम्हें, वो तो नहीं है संयम वगैरह। मैंने ना किसी को भी नहीं बताया था संयम वगैरह किसी को भी। तो उन्होंने पूछा मेरे से, अरुण चल खाना खाने चल, तो ना मैंने कहा यार डायरी के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे मेरे को, भूख इसमें ये मत हाथ लगाओ। अब तो लगाऊंगी, ये मत हाथ लगाओ, छोड़ दिया। मैंने वैसे भी तुम्हारी राइटिंग मेरे को समझ नहीं आती है। हमारे बीच में फाइनल था ना, उसका पति हमारी आखिरी निशानी को हाथ लगाता है, ना तुम मेरी उसकी आखिरी निशानी। बेबी इसके लिए मैं संदूक ला दूं एक, उसमें तुम मढ़ा के रख लो ना। तो फिर ना मैंने संयम वगैरह सबसे झूठ बोला था, तो मेरा खाना खाने का मन नहीं था। कैसे हुआ? फिर ना मैं वहां बैठा रहा, मैंने कहा यार भूख नहीं, आज मन नहीं, और मुझे तभी ढका रहा है। उस दिन यार पहली बार पता चला, मम्मी को मैंने इतनी बार कहा, मैंने कहा इसी से शादी करनी है, इसी से शादी करनी है। मैंने मम्मी को बोल दिया था, मैंने कहा किसी और से शादी कर लूँगा, पर जो मेरा प्यार है ना वो वही रहेगी। क्या बताऊँ यार, कितना बड़ा धोखा हुआ है जिसके साथ। उसके रोके में गया था ना, उसके रोके में ना मैं रो के गया था, रोका उसका था और रोया मैं। टाइफाइड मुझे हुआ है, बुखार तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गया है। मेरा फोन नहीं खोलना प्लीज। हम क्यों इरिटेट कर रहे हो यार? पहले हमने सोचा था हम ना भाग के शादी कर लेंगे, पता यार मैं भगा देती हूँ, मेरे को बताओ कहाँ है, प्लीज रो मत, मैं ले जाती हूँ। अरे कहाँ यार, उस टाइम पे घर वालों को जब समझना चाहिए, जब समझे, पता है
मम्मी मम्मी ने पहले कर दिया कि उपासना कभी ये बात नहीं बना, मैंने उसको इतनी बार कहा था कि भाग के कर लेते हैं, भाग के कर लेते हैं। दूर होने को पास हूँ मैं, हर दिन पास आऊंगी। दूर हो गया यार, आज के दिन नहीं, आज हाथ मत लगाओ प्लीज, रिक्वेस्ट करो कुछ और लगा लूँ। दूर हो गया, आज मत करो प्लीज, आज मत करो। क्या कर रहे हो तुम यार? प्यार नहीं किया ना तुमने, प्यार करती तो सुन यहाँ पे इतने मतलब गंदे गुंडे नहीं हुई हमें हैं, प्यार नहीं किया, ड्रामे होगा, ड्रामेटिक। क्या ये नॉनसेंस कर रहे हो, प्रैंक कर रहे हो? फोन कहाँ तुम्हारा? चार्जिंग पे लगाओ यार, ये एक नया स्टाइल है चार्ज करने का, देखना कहीं प्रैंक हो। चेक कर लो किसी से, लॉक कर रखा है। मतलब जो लड़के ना वक्त रहते आवाज नहीं उठा पाते ना अपने प्यार के लिए, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, उसे पता है भुगतना उनकी एक्सेस को पड़ता है। अगर मैंने आज सही टाइम पे आवाज उठा ली होती ना, मैं तो बस ये कह रहा हूँ यार, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। अभी ये थोड़ी है कि किसी का कभी मूड ठीक नहीं हो सकता, ये थोड़ी है ऊपर क्या, मैं खुद ही यार आज बाहर जाऊंगा, तो उसने कहा था आज आने किसने कहा था मतलब मैंने कहा था कि मैं नहीं नहीं मैंने कहा था कि मैं आज दूसरे रूम में सोऊंगा, खुद से मैं सो जाती हूं ऊपर। नहीं नहीं आप इसमें सो यार, जाओ तो फिर, नहीं फिर आप सो जाओ उसमें, ये ऊपर वाले में वाईफाई का सिग्नल नहीं आता। ठीक है जाओ, लिख के तो यार क्या करूं, मक्का चलो मेरे पैर कौन घिसेगा, मुझे नींद नहीं आएगी तब तक। घिस ही तो रहा हूँ यार तब से, उसके बाद से कैसे हुआ इतना जरूरी, कैसे हुआ। अच्छा एक अच्छा सा गाना याद है, दो दिल मिल रहे हैं काश मिल पाते, मगर छुप के छुप के। पता कई बार मुझे क्या लगता है, सबको हो रही है खबर। तुम्हारी मछली का है, मैं ला देती, तुम इतनी इतनी ऐसे बैठे हो जैसे उजड़ा चमन नहीं होता किसी का। मुझे भी नहीं आ रहा। पता है यार उसने जब मकतूब देखी ना, तो उसने पता सबसे पहले क्या कहा, करण तुमने वादा किया था तुम हमारी कहानी को कभी अपनी शायरी में नहीं उतारोगे। तो मकतूब तुम्हारी खुद की कहानी है, हमारी नहीं थी, मतलब एक ऐसे उसको लगा कि हम मैंने हमारी कहानी लिख दी है। मत करो यार प्लीज, तुम ज्यादा हो रहा है सच में, मस्ती में जाके करो फिर, तुम अब ज्यादा कर रहे हो मस्ती। यार मैं तो तुम्हें कुछ कह ही नहीं रहा, तुम ही घुस रही हो यार, ऐसे थोड़ी कोई घुसता है, तुम तो बिल्कुल ही ऐसे थोड़ी किसी को वो करता है कोई घुसता। ठीक है मतलब एक पर्सनल स्पेस होती है यार, ठीक है पिछले शादी हो रखी है, लेकिन मैं भी तुम्हें एक पर्सनल स्पेस देता हूँ ना, मैं तुम्हारी पर्सनल स्पेस में ऐसा घुसता हूँ, तुम्हारा भी मूड ऑफ होता है ना। कितना इम्पोर्टेंट डे था हमारा इस टाइम पे, पता है बारात लेके जाता है उसके, मैं चप्पल मारूंगी अब, दिमाग खराब कर दिया है। टाइम कितना हो रहा है एक बार देखा, मुझे नहीं पता, एक बार टाइम क्या पता इस टाइम पे हमारी जयमाला हो रही होती। जाओ जाके जयमाला कर लो ना, अभी कर लो, लाओ मैं करूं, दो फोन दो मेरे को।
ला उसका फोन, कहाँ है फोन, खोलो फोन का पासवर्ड दो मेरे को, पासवर्ड दो फोन का, फोन का पासवर्ड दो मुझे। तुम आई मेरे पास चल के, मैं तो नहीं आया था ना तुम्हारे पास, मैं आया था तुम्हारे पास, मैं आई थी यार, मैं बता तो रही हूँ, मैं चल के नहीं, मैं तो गिड़गिड़ा के आई थी। तुम मत गिड़गिड़ाओ ना, मुझे चाहिए ही नहीं तुम। तो क्या बिहेव कर रहे हो, इनफ ना अरुण, पिछले आधे घंटे से ना आराम से बोल रही हूँ, आराम से आराम से आराम से, व्हाट द हेल यू आर डूइंग। ये जो उंगली देख रही, नहीं उंगली, इसको तोड़ दूंगी, मेरे को मत दिखाओ इसको। मुझे पता भी नहीं था ना, पता ना हो, मैं सुनना ही नहीं चाहती। तब उसने ना तो सुनती वो भी नहीं थी तभी तो। डोंट कंपेयर, मैंने तुम्हें कहा तुम्हारी एक एक सौ सो हो हजारों, जाके किसी को कॉल करो, मरो जो मर्जी करो, पता उसने ना आज भी। डोंट इरिटेट मी नाउ अरुण, यहाँ पे बैठे नहीं आना, एक बार बैठे नहीं आना, अरे मैं कुछ बता, नहीं आना, एक मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। अरे एक बार हद से बकवास लगा रखी है, ईयरफोन्स मत तोड़ यार, ये उसी के दिए हो ना, दिए हो ना दिए हो, दोबारा आ जाएंगे, मेरे को नंबर देना, मंगा दूंगी मैं उसको। एक बार यहाँ आओ, एक बेवकूफ साला, उसने इतना गंदा ये किया है सारा, दर्द इतनी हो रही है नेल्स में। एक छोटा सा काम करोगे मेरा आखिर? हाँ बताओ, बहुत आखिरी मरने वाले हो, आखिरी सांसें चल रही है तुम्हारी। ये तुमने मेरे को इतनी तेज पकड़ा, देखो फिर चोट लग गया। उसने ना यार मुझे इंस्टा पे ब्लॉक कर रखा है, एक बार दिखाओगे उसने अपने बच्चे के साथ, हमारे बच्चे मतलब उसने अपने बच्चे हमारा ही है, कह रहा हूँ मिकी बनर बने हो गया है? फिर हमारा हमारा क्या होता है? हंटर, हमने पता साथ में कौन सी मूवी देखी थी? मैं बीटेक में था और वो हो गया, वो बीएससी में, साथ में हम बीए पास। ओ शट अप अरुण, मैं जा रही हूँ ऊपर सोने, मैं जाऊँ। हम बीए पास देख के आए थे। अच्छा पास ना, ये लास्ट ये ले जाओ। हाँ दे दो, इसमें ना इसमें हर वो बात लिखी है। अच्छा पता है रिद्धि का बहुत ध्यान रखती थी वो, जब रिद्धि इतनी सी थी ना तो रिद्धि के लिए इतना सारा गिफ्ट लेके आती थी वो, इतनी सी रिद्धि के लिए। मम्मी को बुलाऊं क्या? रहने दो बेचारी, मम्मी जानती थी, पर कास्ट शिट अटैक आ गया तुम्हें। अच्छा ये हो गया तो प्लीज यार, मैंने एक डियोर का बैग पसंद किया, मेरे को दिला दो। ख्वाहिशें ही तो नहीं खत्म होती तुम्हारी, सिर्फ मेटेरियलिस्टिक थिंग्स की। देखो मेरी पूरी कैसे होगी, सिर्फ मेटेरियलिस्टिक थिंग्स की, इट्स नॉट अबाउट मेटेरियलिस्टिक। और एक वो थी पता है, सिर्फ सिर्फ उसकी एक ख्वाहिश थी, वो जो भी थी वो सिर्फ उसकी एक ख्वाहिश थी कि वो मेरे साथ रहे अपनी जिंदगी का हर पल, अपनी जिंदगी का हर पल मेरे साथ बिताए। पर तुम्हारी ख्वाहिश मैं नहीं हूँ, तुम ये नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेटेरियलिस्टिक थिंग्स का पड़ा है उपासना। यू कैन नेवर लव एनीवन, यही तो होता है। आज मेरी गलती कि क्यों तुमसे प्यार किया, क्यों नहीं मैं अपनी जिद पे डरा, काश मैंने अपने घर वाल। दोनों मैं अपनी नस काट के खून से लिख दूंगा। नस काट के इतना खून है तुम्हें छुछुंदर से, वो हम दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट थी। इसको छोड़ दो, मेरे कड़ा फंस गया उसमें। आ मम्मी अरे मजाक कर रहा हूँ पागल, ही तो खाली कोरी डायरी पड़ी है।
नहीं इसमें भरी भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता, बुला लू मैं जिसको मर्जी बुला, एक छोड़ के हजार बुलाओ यार, हजार तो नहीं है। तो यार इसके बाद क्या हुआ ये आपको कल वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि क्या हुआ, कैसे उपासना को मैंने बनाया। लेकिन 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 अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि यार ये ब्लॉग शूट कैसे हुआ। तो मैंने क्या किया कि मैंने कॉर्नर में फोन को रख दिया था, फोन को लगा रखा था चार्जिंग पे और फोन को बिल्कुल सेट कर रखा था, लेकिन स्क्रीन थी लॉक। फिर कैसे शूट हुआ ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आईफोन में होता है एक एक्सेसिबिलिटी मोड होता है, उसमें क्या होता है कि फोन आपका वॉइस ओवर पे स्टार्ट होता था, तो वॉइस ओवर पे स्टार्ट करके वॉल्यूम जो थी वो बिल्कुल कम कर रखी थी ताकि अगर उपासना फोन को हाथ में लगाए तो भी उनको आवाज ना सुनाई दे। एंड उसमें क्या होता है कि आपकी कैमरे की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है एंड आपकी स्क्रीन रहती है लॉक, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपकी मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। ऐसे किया था मैंने ये वाला प्रैंक शूट एंड आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। एंड यार ये एक छोटी सी कोशिश थी मेरी आप लोगों को एंटरटेन करने की, एंड यार बहुत सारी मेहनत एडिटिंग में बहुत ज्यादा, क्योंकि करीबन एक सवा घंटे का ये शूट हो गया था, उसके बीच में से सिर्फ ये 20 मिनट निकालना बहुत मुश्किल था। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ कि आगे क्या हुआ इसके ये आपको कल जानने को मिलेगा। लेकिन एक प्यारा सा कमेंट कर दो एंड वीडियो को लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगी इस वाले प्रैंक को पूरा शूट करने में। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब।